चलिए तो आप देख रहे हो गोल्डन बीस चैनल और हम शुरू करने वाले आज की तीन बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी खाता कैनरा बैंक में है तो यहाँ पर कैनरा बैंक की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके साथ ही में यहाँ पर मोदी सरकार ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं खबरों के बीच में यहाँ पर सोने और चांदी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वही आपको बता दूँ की सराफा बाजार में चांदी ने सबसे बड़ी उछाल मारी है। उसके साथ में यहाँ पर कारोबारियों के अनुसार क्या होगा आने वाले समय में सोने के भाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप भी हमारी वीडियो को रोजाना देखते हो तो हमारी वीडियो के अंदर सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है, जिसका सही जवाब देने वाले विजेताओं को दिया जाता है पेटीएम कैश। ठीक है, तो इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट करके देना है और उसके साथ ही में अपना नाम भी लिखना है, सिर्फ अपना नाम ही लिखना है। चलिए तो हमारी पहली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार का ग्राहकों को बड़ा तोहफा, अब फोन की तरह बदल सकेंगे बिजली कंपनी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। वही पावर सेक्टर में बड़े सुधार के मद्देनजर ग्राहकों को और ज्यादा सुविधा देने के लिए पावर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े सुधार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर मौजूदा बिजली वितरण कंपनी सही सर्विस नहीं दे रही तो आपके पास विकल्प होगा कि दूसरी कंपनी का चयन करें। इसके लिए सभी राज्यों को ऊर्जा मंत्रालय ने निर्देश दिया है और ये कहा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाएं, मतलब एक एरिया में कई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो। दरअसल सरकार ये चाहती है कि निजी कंपनियां के आने से पावर इन्फोर्सिस और सप्लाई बढ़ेगी। निजी कंपनियां की जिम्मेदारी बिल कनेक्शन और पावर कनेक्शन देने की होगी और इसके साथ ही पावर सप्लाई की भी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। ये कमीशन के आधार पर तय किया जाएगा। अच्छा, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर बड़ी खबर कैनरा बैंक की ओर से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे कि कैनरा बैंक एटीएम से 10,000 से ज्यादा कैश निकालने के लिए पड़ेगी ओटीपी की जरूरत। जी बिल्कुल दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक ने देश में पहली बार एटीएम से पैसा निकालने के लिए ओटीपी की सुविधा को शुरू कर दिया है। एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा कैश निकालने के लिए लोगों को अपने पिन नंबर के साथ फोन नंबर पर आने वाले ओटीपी भरना होगा। दरअसल एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कदम उठाने को कहा था। इसके तहत कैनरा बैंक ने यह सुविधा लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो कभी भी आप 10,000 से ज्यादा पैसे निकालने जाए तो अपना फोन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि ओटीपी उसमें ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली बड़ी खबर सोने और चांदी को लेकर निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले हमारा आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न जान लिया जाए। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके लिखना और साथ ही में अपना नाम भी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, नाम और फिर अपना सही जवाब लिखना है। और हाँ, सही जवाब देने वाले विजेता को दिया जाता है पेटीएम कैश और सरप्राइजिंग गिफ्ट। ठीक है, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर मनी भास्कर की ओर से बड़ी खबर है कि चांदी 2,050 रुपए के इजाफे के साथ रिकॉर्ड स्तर पर, वहीं सोना भी पहुंचा नई ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, विदेश में चांदी में रही बड़ी तेजी और स्थानीय स्तर पर सिक्का निर्माताओं द्वारा मांग बढ़ने से दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को चांदी हाजिर 2,050 रुपए की छलांग लगाकर 48,850 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोने की बात करें तो सोना भी 300 रुपए चमक कर नए रिकॉर्ड स्तर यानी कि 39,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2016 के बाद चांदी में सबसे बड़ी तेजी जो है आज देखी गई है। वहीं विदेश में सोना हाजिर मंगलवार को 1% से ज्यादा चढ़ा, बीच कारोबार में $1,554.56 प्रति औंस पर पहुँच गया, जो 6 साल का उच्चतम स्तर है। आज यह $0.65 की गिरावट में है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ तीन बड़ी खबरें। रोजाना ताजा और काम की खबरों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल के आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।